आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा दसवीं जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो व्याकरण हैं, आपके पाठ की जो व्याकरण दी होती है, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जितने भी पाठ दिए हुए हैं उसमें आपके बहुत सारे संधि विच्छेद और संधि, उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से, और ये परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। संधि संधि विच्छेदम पुरुत, संधि और संधि विच्छेद यहां पर करना है। तो प्रकृति प्रकृति ही धन एव, यहां पर क्या आएगा, प्रकृति रेव, प्रकृति धन एव, यहां पर क्या आया, प्रकृति रेव। स्यात् धन न धन एव, स्यात् धन न धन एव, क्या आएगा, इस्या नैव, ठीक। ही धन अनंता ह्यनंता, फिर है वही धन अंतः धन जगति, तो क्या आएगा यहां पर, वही रन तर्जति, वही रन तर जगति। अस्मात् नगरात्, अस्मान् नगरात्, समधन चरणम संचरणम, धूमम धन मुंचति धूमम मुंचति, पितुर्ग्रहम पितु धन ग्रहम, एकैकः एकः धन एकः, अन्योपि अन्यः धन अपि, इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा, यत्रास्ते यत्र धन आस्ते, न धन अस्ति धन उद्यम समः नासुद्यम समः, तस्य धन उपगमे तस्या तस्याप गमे, अनुक्तं धन अपि धन उहति अनुक्तमप्युहति, गावा धन च गवाश्य ना धन अस्ति नास्ति। ये लिखा है जैसे ऊपर, पाठ पुस्तक का अभ्यास कर, जो आपके उसमें दिए होते हैं, जो पाठ के अंतर्गत जो संधि और संधि विच्छेद, तो आपको इनको परीक्षा के लिए तैयार करना है। रक्त धन चा धन अस्तमये, रक्ताश चास्तमये, योजक धन तत्र योजक योजक स्त्रत्र, क्या आएगा, योजक योजकस्य तत्र, पदातिरेव पदाति धन एव, निशांधकारे निशाधन अंधकारे, अभिधन आगतम अभ्यागतम, भोजन धन अन्ते भोजा नान्ते, चोरो धन आयम, क्या आएगा, चोर धन आयम, ग्रह धन अभ्यंतरे ग्रहभ्यान ग्रहभ्यांतरे, लील येव लीलया धन एव, यदुक्तम यद धन उक्तम, प्रबुद्ध धन अतिथि प्रबुद्धो अतिथि, शिशवस्तु शिशवधन तु, विस्फोट कई रपि विस्फोट कई धन अपि, सहस्त्रो अन्य सहस्त्रस्य अन्य सहस्त्रशः धन अन्य, क्या आएगा, सहस्त्रशः धन अन्य, विचित्रो अयम विचित्र धन अयम, भूकंपो जायते भूकंप धन जायते, वामन कल्प एव वामन कल्प धन एव, किंच किम धन च, नगरंतु नगर नगरम धन तु, विपन्नांच विपन्न विपन्नम धन च, किन्नु किम धन्नु, भुज नगरंतु भुज नगरम धन तु, संचय सम धन चय।
रेखांकित रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। जो रेखांकित पद में यथास्थान संधि या उसका विच्छेद कीजिए, जो रेखांकित है ना। तो पहला क्या दिया, कृषिका क्षेत्र कर्षणम कुरुवन धन आसीत, ठीक है ना, ये क्या आएगा, कुरुवन धन आसीत। फिर है तयोरेकः वृषभः दुर्लभः आसीत। फिर है तथापि वृषः नाधन उत्थति उत्थितः। फिर है सत् स्वापि बहुश पुत्रेश अस्मिन् वात्सल्यं कथम् तथा धन अपि धन अहम् एतस्मिन् स्नेहम् अनुभवामि मे बहून् धन अपत्यानि सन्ति सर्वत्र जलोप पपलवः संजाता। अब यहाँ देखिए, जितने भी जो रेखांकित जो शब्द हैं इनका उत्तर समझिए। जैसे इसमें दिया है रेखांकित पद में यथास्थान संधि या संधि विच्छेद के, तो जो कुर्वन धन आसीत तो यहाँ पर क्या आएगा, कुर्वन नासीत। फिर यहाँ दिया है तयो रेखा, तो तयो धन एक। फिर यहाँ पर क्या दिया, ना धन उत्थिता है नोत्थिता। फिर सत सत्वस्व वपी, तो क्या आएगा, सत्सु धन अपी। फिर यहाँ पर दिया है तथा धन अपी, तो क्या आएगा यहाँ, तथाप्यह मेत मेतत अस्मिन, क्या आएगा, तथाप्य तथाप्यह मेतत अस्मिन, ठीक है। यहाँ पर तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन स्नेहम अनुभवामि, तो ये पूरा जो है जो भी प्लस यहाँ पर धन लगा हुआ है तो यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो क्या बना, तथाप्य हमेत मेतस्मिन, तथाप्य हमेतस्मिन, ये पूरा शब्द बनेगा, संधि होगी इसमें। मे बहुनी धन अपत्यानी, तो क्या आएगा, बहुन यपत्यानी जलोप पपलवः जल धन उपलवः। इस प्रकार से जो रेखांकित शब्द हैं और इसके जो उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं आपको इसको बना करके इस प्रकार लिखना है। अब यहाँ देखिए दिया है रिक्त स्थान पूरी तरह, पुस्तकम पुस्तक धन आलयः, तो यहाँ पर क्या आएगा जो दिया हुआ है, पुस्तक धन आलयः, ठीक है। फिर सदा धन एव, तो यहाँ पर क्या आएगा, सदैव। सुधन अस्ति स्वास्ति, हरेव हरे धन अव, तत्शिवः तत्धन शिवः। अब यहाँ पर दिया है सत असत आम ना, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नमः धन ते बराबर नमस्ते, तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर दिया आम। फिर दिया है कपि धन ईशः कविशः, नहीं नहीं आएगा, ये गलत है। गिरी धन ईशः गिरीशः, ये सही है। फिर है पर धन उपकारः परोपकारः, ये सही है। सुधन आगतम स्वागतम, ये सही है। इस प्रकार से ये सत्य सत्य है। अब यहाँ दिया है देखिए जोड़ी बनाइए, विद्यालय विद्यालय नाविकः परोपकारः और अत्रेक, ये दिए हैं, ठीक है ना। तो विद्यालय का क्या आएगा, दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दूसरा दिया है नाविकः, तो यहाँ आएगा अयादि संधि। फिर दिया है परोप, तीसरा दिया है परोपकार, तो यहाँ आएगी गुण संधि। और फिर दिया है अत्रेकः, क्या दिया है, अत्रेकः, तो यहाँ आएगी वृद्धि संधि, ठीक है ना, डबल मात्राएं हैं वृद्धि संधि। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाठ पुस्तक के अभ्यास करें आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाठ के अंतर्गत जो दिए गए हैं उनके यहाँ पर लिखना है। पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का यहाँ पर नाम लिखिए, तो ये वृद्ध प्रदानी है और ये समस्त पद है और समास का नाम। जैसे मलेन सहितम, तो समलम अव्यभिभाव समास है। हरिता धन हरिता चाहिए तर्व हतेशाम, तो हरित तरुणानाम कर्मधारय समास है। ललिता चाहिए लता तासाम, तो ललित लता नाम ये कर्मधारय समास है। नवा मालिका नव मालिका कर्मधारय समास है। घृता सुख संदेश है येन तम, तो घृत सुख संदेशम ये बहुव्रीहि समास है। कज्जल कज्जलम एव मलिनम, तो कज्जल कज्जल मलिनम ये कर्मधारय समास है। दौरान दौरान दांतई है दशनई है, तो क्या आएगा, दौरांत दशनई है कर्मधारय समास है। तत्वा
तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थस्य निर्णयः यहाँ पर आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्वार्थ निर्णयः, वाचिपटु वाक्पटु, सप्तमी तत्पुरुष, धर्म प्रददातीति ताम धर्म प्रदान, ये उपपद तत्पुरुष है, ना कतारह अकतारह न्यन तत्पुरुष है, ना के अर्थ में ना हितम अहितम यानी न्यन तत्पुरुष है, महान आत्मा ये शाम महात्माना मानः, तो ये बहुव्रीहि समास है, विमूढ़ाधी यस्य सः विमूढ़धी ये बहुव्रीहि समास है। आप समस्त पद विग्रह लिखा, समस्त पद विग्रह लिखिए, उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थितः शरीर स्थितः, निर्वलः निर्गतः वल यस्मात् सः देहस्य विनाशनाय देह विनाशाय महावृक्षः, तो यहाँ क्या आएगा, महान चासौ वृक्ष समानम शीलम व्यसनम व्यसनम येषाम तेषु समान शील व्यसनेषु, ठीक है, इस प्रकार से अयोग्य नायोग्य महच तत् कंपनम महाकंपनम दारुणा च सा विभीषिका दारुण विभीषिका ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्वस्त भवनेषु, प्राक्तने च तस्मिन् युगे प्राक्त प्राक्तन युगे महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रम तुच्छ जीवैः तुच्छै जीवैः वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि पक्षिणाम सम्राट पक्षी सम्राट स्थिता प्रज्ञा यस्य सा स्थिता स्थित प्रज्ञा अपूर्वम न पूर्वम व्याघ्रः चित्रकौ व्याघ्रः चित्रकः च, इस प्रकार से ये पूरा इसका आएगा। आप यहां देखिए दिया है रिक्त स्थान वृक्ष पतितः, ठीक है ना, तो ये देखिए उत्तर दिया वृक्षात पतितः पीताम्बरः, फिर है राम लक्ष्मण रामश लक्ष्मणः, फिर है पीताम्बरः तो पीतम अमरम यस्य सह दिया है, फिर दिया है परेशाम उपकारः, ठीक है, पंचानाम बटानाम समारः तो यहाँ पर क्या आएगा पंचवटी, फिर है परोपकारः तो परेशाम उपकारः, तो यहाँ पर क्या आएगा परोपकारः, तो जो वृक्ष पतिता है वो वृक्षात पतिता है आएगा, राम लक्ष्मण इसका विग्रह कर रामस्य लक्ष्मणस्य आधा सा और चा लगेगा, फिर दिया है पीताम्रत पीतम अम्रम यस्य सा आएगा, फिर पंचानाम बटानाम समाहारा यानी पंचवटी आएगा, और परेशान उपकार है तो परेशान परोपकार आएगा। अब यहाँ सत्य सत्य यहाँ दिया है पंच पात्र में दिगु समास है, ये देखिए इसके उत्तर दिए हैं आम यानी सही है, महापुरुष में कर्मधारय समास है ये भी सही है, पितरौ में तत्पुरुष समास है नहीं ये गलत है, फिर है राज्ञा पुरुषा का समास राजपुरुष होता है ये भी सही है, यथाशक्ति में अव्यभिभाव समास है ये सही है, जोड़ी बनाइए आपको यहाँ पर जोड़ी बनाना है पंच पात्रम, ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया है पंच पात्रम, पहले का है दिगु समास, नीलोत्पलम नीलोत्पलम का कर्मधारय जलम जलमग्न तो इसका तत्पुरुष आएगा, हरि हरि हरौ तो द्वंद्व समास है दोनों समान वाले शब्द हैं, निर्वक्षिकम ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा अव्यभिभाव समास। अब यहाँ पर भी दिया है पाठ पुस्तक का जो मतलब जो आपके इसमें दिए हुए प्रकृति प्रत्यय विभागम करो, प्रकृति और प्रत्यय का क्या करना विभाग, तो परिवर्त जैसे परिवर्तवती तो परिधन व्रत धन तब तु धन दीप यानी स्त्री प्रत्यय जो दिया। अब यहाँ पर दिया गया है धृतवान तो धृत धन तब तु हसन हसन दिया है तो हस धन श्रुत प्रत्यय विशीणा विधन श्रुधन त धन ताप प्रचलंती प्रच धन चल धन श्रुत धन दीप हता हन धन त अधोलिखितेषु तद्य पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक। अब यहाँ पर देखिए दिया तद्य शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखना है, तो ये जो मूल शब्द है ना प्रकृति प्रत्यय दिया है, जैसे दिया है पथ्य तमः तो यहाँ आएगा मूल शब्द पथ्य प्रत्यय क्या आएगा तम प्रत्यय, सहिष्णुता सहिष्णु ये मूल शब्द है और तत् प्रत्यय है, अग्नित्वम अग्नि ये मूल शब्द है और त्वा प्रत्यय है, स्थिरत्वम स्थिर शब्द है मूल शब्द है और प्रत्ययत्वा, लाघवम लघु यहाँ पर मूल शब्द है और प्रत्यय अण प्रत्यय, ठीक है। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति तानि पृथक पृथक कृत्वा निर्दिष्टां प्रत्या
नाम आधार लिखे, जो नीचे लिखे शब्द भिन्न भिन्न प्रत्यांत हैं उनको अलग करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे पंथ को इसमें लिखना है। ठीक है, अब ये शब्द दिए हुए हैं बहुत सारे इसमें अलग अलग, तो अब ये जैसे दिया लव या प्रत्यय, ता प्रत्यय, तब तू और तुमिन, तो ये जो शब्द दिए हैं ये कौन से प्रत्यय के अंतर्गत, तो ये जो दिया है परिश्रम, ये सब यप प्रत्यय के अंतर्गत दिया है, विहाय आदाय समागत्य, फिर ता प्रत्यय के अंदर प्रस्थितः प्रविष्टः नियुक्तः मुदितः, तब तू के अंतर दिया है उपार्जितवान पृष्टवान नीतवान आदिष्टवान, तुम उनके अंतर्गत देखो दिया है तुम दिया ना सब में, दापिय तुम दृष्टुम क्रोशितुम और निर्ण तुम, अब ये देखिए रिक्त स्थान दिया है यहां पर मोक्तुम मूचधन तुमुन दाधन कत्वा दत्वा परिधन ज्ञाय परिधन ज्ञाधन ल्यप परिज्ञाय कर्तुम कृधन तुमुन आने तब्य आधन निधन तब्यत। अब यहाँ सत्य सत्य में देखिए ये इसके उत्तर दिए सतधन क्रधन ल्यप सत्कृत्य, ये आम यानी सही है, आधन गम धन ल्यप धन आगम्य ये भी सही है, याच धन त्वाधन याचित्वा ये भी सही है, बदधन श्रद्धन बदती नहीं गलत है, गृह तुम ग्रहधन तुम ये भी गलत है। इस प्रकार से मैंने आपको जो पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण है और जो प्रत्यय दिए हुए हैं, व्याकरण दिए संधि संधि विग्रह दिए समास समास विग्रह, इनको पढ़ाए समझाए, इन सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं जितने भी विग्रह दिए हुए हैं संधि दी, उनको आपको परीक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर